समय गाइस अभी हमें झंडे वालान में उतर गए हैं मेट्रो स्टेशन पे और जा रहे हैं सीधे झंडे वालान मंदिर, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। अभी ये जो सामने है, नीचे से जाना पड़ेगा पूरा रास्ता। चलो चलते हैं, मिलके आते हैं बजरंग बली से आज। जय श्री राम। ये मैं मंदिर से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ आपको आइडिया देने के लिए कि सामने जो देख रहा है मेट्रो स्टेशन है झंडे वालान, वहाँ से पैदल आप आ सकते हैं, ई रिक्शा या ऑटो की कोई ज़रूरत नहीं है। यह है मूर्ति पास से, जो कि 108 फीट ऊंची विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है बजरंगबली की। उनके हृदय में जैसे सीताराम है, इस मूर्ति में भी सीताराम जी हैं। देखने में बहुत ही अद्भुत और बड़ी मूर्ति है। यह है मुख्य द्वार मंदिर का, श्री सिद्ध हनुमान मंदिर 108 फीट श्री संकट मोचन धाम। मंदिर से ही लगकर आप देख सकते हैं एक शेर का मुख, जो कि है गुफा से बाहर निकलने का रास्ता माता रानी की, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अभी देखिए मूर्ति कितनी विशाल और कितनी सुंदर है। मंदिर से लगकर ही उल्टे हाथ पर पड़ता है एक शनि महाराज का बहुत ही भव्य मंदिर, जिसमें शनि महाराज और नवग्रह शनि महाराज भी स्थापित हैं, जो कि मंदिर बहुत सुंदर है देखने में। आप अगर शनिवार को आते हैं तो यहाँ मंदिर पर भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, तेल तिल आदि जो भी इनका चढ़ावा होता है वो चढ़ा सकते हैं। शनि महाराज पर चढ़ाने के लिए जो भी सामग्री लगती है आप ये बगल की छोटी सुंदर सी दुकान से ले सकते हैं। उसके अलावा भी कई सारे भगवानों से संबंधित वस्तुएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, लॉकेट, काला धागा या काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पूजा सामग्री वाली, वो आपको सारी ये पास की दुकान से मिल जाएंगी। बजरंगबली के मंदिर के लिए सामग्री, पूजा पाठ का आपको प्रसाद वगैरह सारा मंदिर के बाहर ही मिल जाएगा। जो ये मुख बना हुआ है, ये राक्षसनी का मुख है, जिससे हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, ये वही राक्षसनी है जो लंका जाते समय इनको मिली थी रास्ते में। ये राक्षसनी के मुख से अंदर आने के बाद हम मंदिर के मुख्य भवन में आ जाते हैं, जहाँ श्री बजरंगबली के साथ कई सारे और भी देवी देवता विराजमान हैं, जो आप देख सकते हैं दाएँ और बाएँ तरफ। पूजा अर्चना के साथ साथ रामायण का जो पाठ है यहाँ पर हमेशा ही चलता रहता है, पंडित जी बैठे हुए हैं। और साथ ही मूर्ति का ये पैर मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको मूर्ति का अंदाज़ा लगेगा कितनी बड़ी मूर्ति है। तो अभी आपको ले चलते हैं मंदिर के एक दूसरे हिस्से में, जहाँ पर सागर मंथन, समुद्र मंथन का एक सीन मूर्तिकला द्वारा दिखाया गया है, जहाँ पर एक साइड देवता है और एक साइड दानव है, और उसमें जो भी सामग्री, जो भी जीव जंतु निकले थे, वो सारे के सारे यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से बनाए हुए हैं। ये हैं यहाँ के महाराज बाबा जी, जिन्होंने इस मंदिर की शायद स्थापना की थी। इनको हनुमान जी के दर्शन यहीं हुए थे, काशी से ये बाबा आए थे। उसी के साथ सिरोवाली माता की भव्य मूर्ति यहाँ पर है अंदर ही मंदिर के साथ। ये माँ काली की दिव्य ज्योत है, जो हमेशा ही यहाँ पर प्रज्वलित रहती है। साथ में दो और माताएँ भी हैं, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। माँ काली के बाद माँ के अन्य रूपों का भी दर्शन करने के लिए मानव निर्मित इस गुफा में चलते हैं। इस गुफा के बारे में भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। गुफा में जाने के बाद ऐसा लग रहा था किसी दिव्य स्थान पर हैं, किसी पहाड़ी स्थान पर हैं। दिव्य तो है ही, बस पहाड़ी स्थान नहीं है, लेकिन जाने के बाद अनुभव बहुत अच्छा था यहाँ का। नीचे आने के बाद ये पुजारी जी ने मुझे 2 से 4 नई चीज़ें बताईं, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम थी। मुझे मुख्य रूप से लगता था कि ये मंदिर हनुमान जी के लिए है, हनुमान जी का है, लेकिन नीचे आके 2 से 4 नई बातें मालूम पड़ी। ये यहाँ पर माताओं के कई सारे लीलाएं मूर्ति रूप में बताई गई हैं। ये है पिंडी रूप माता जी, पिंडी स्वरूप में, जो कि 3 माता यहाँ पर स्थापित हैं। महाराज जी ने कई सारी बातें बताई कि इस गुफा में जो पानी नीचे आप देखेंगे भी, पानी पानी से आपको लगेगा, वो पानी यहाँ पर साल भर कहीं ना कहीं से आता है, अपने आप आता है। कभी कभी एकदम घुटनों तक हो जाता है, कभी एकदम कम हो जाता है। इस पानी का किसी को नहीं पता है कब से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये गुफा में अंदर जाते जाते माता के कई सारे रूपों का वर्णन किया गया है मूर्ति रूप में। गुफा के अंदर का बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरा, ये आप देख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी लाइट है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। ये बाहर जाने का यहाँ से रास्ता था, तो चलो चलते हैं गुफा से बाहर। तो अंदर गुफा इतनी ज़्यादा संकरी नहीं थी, लेकिन बाहर जाने का ये जो रास्ता है लास्ट, यहाँ पर गुफा काफ़ी संकरी और छोटी हो जाती है, जहाँ आपको झुक के चलना पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, फिर एकदम से लाइट और आपको गाड़ियों की आवाज़ें, शहर की आवाज़ें आती हैं, आप समझ जाइए कि आप गुफा से बाहर आने वाले हैं। शुरुआत में जो आपका शेर का मुख दिखाया था मंदिर के लग के जो बगल में था, ये वो मुख था, आप पहचान सकते हैं। यहाँ से बाहर निकल के चलते हैं दूसरी और तीसरी मंजिल पर,
जहाँ पर अन्य देवी देवताओं के दर्शन करेंगे। माता महिषासुर मर्दिनी, भगवान लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, साईं बाबा, पंचमुखी, हनुमान जी के दर्शन भी होंगे जो कि हैं आगे जाकर। अभी यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पहले माता रानी के दर्शन और भगवान राम, सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के दर्शन पहले यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये जो मंजिल है, ये मुख्य भवन जो है, हम जहाँ से अंदर आए थे मुख्य द्वार से, उसके एक ऊपर की मंजिल है। यहाँ पर हल्की झांकी सी लगी हुई है, सुंदर सी। यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि बजरंगबली का गदा, लगभग एक कमरे के बराबर का, इतना विशाल है ये, देखने में इतना भव्य लग रहा था। श्री राम लिखा हुआ है चारों तरफ। उसके बाद चलते हैं दूसरी मंजिल पर। ये दूसरी मंजिल पर हम आ गए हैं माता महिषासुर मर्दिनी जी का जो दरबार है यहाँ पर आकर। अगर मैं मंदिर के अंदर नहीं आता तो मैं हमेशा यही सोचता रहता कि ये सिर्फ एक बड़ी सी मूर्ति है, उसकी पूजा होती होगी, लेकिन नहीं, ये मंदिर बहुत भव्य है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी लीलाएँ हैं, माताओं के कई सारे मंदिर हैं, माताएँ विराजमान हैं, अन्य देवी देवता विराजमान हैं। और यहाँ से महिषासुर मर्दिनी के तल के ऊपर भी एक और मंजिल है जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होंगे और अन्य देवी देवता विराजमान हैं। ये आप देख सकते हैं साईं बाबा, पंचमुखी हनुमान जी। यहाँ से चलते हैं ऊपर। ये जिस मंजिल पर हम जा रहे हैं अभी, इसके ऊपर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे देवी देवताओं के साथ साथ पंचमुखी हनुमान जी भी हैं, जो कि आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी दुर्लभ प्रतिमा होती है पंचमुखी हनुमान जी की, जो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। तो ये थे आज के दर्शन, काफ़ी आनंदमयी थे, काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ी नई नई, दिल को बहुत खुशी मिली यहाँ पर आके। तो गाइस, जहाँ से वीडियो चालू किया था वहीं पे करते हैं ख़त्म। झंडे वालन मेट्रो पे आ गए हैं वापस ऊपर, दर्शन वगैरह सारे अच्छे तरीके से हो गए हैं। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा वीडियो, माता रानी के दर्शन, पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन, बाकी जो भी थे, गुफा जो पानी गिरता है हमेशा चलता रहता है, पंडित जी से भी काफ़ी बात हुई। तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए, बाय बाय। मेट्रो भी मेरी आने वाली होगी।